हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे आईआईटी एग्जाम। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से पढ़ रहे आईआईटी एग्जाम में स्वागत है। तो भाई कैसे हो आप सभी बच्चे, कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी? और भाई वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में भाई एक शायद तूफान वगैरह भी आया है, तो उस स्टेट के बच्चे थोड़ा सा सेफ रहें, बच के रहें। चलिए तो अब हम डिस्कस करेंगे जी आपका सॉलिड स्टेट की क्लास नंबर 3 है। सॉलिड स्टेट की क्लास नंबर ये हमारी 3 है। आज मैं कुछ पीपीटी का भी यूज करूंगा जिससे कि आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो देखिए अगर बात करें, कल हमने क्या क्या डिस्कशन किया था, क्रिस्टल लैटिस, ब्रेवियस लैटिस क्या कुछ होता है, वो सब डिटेल में डिस्कशन हो गया था, समझ में आ गया होगा सभी को। उसके बाद जो हमने डिस्कशन किया था वो था जी आपका फॉर्मूला बनाने वाले क्वेश्चन, है ना, फॉर्मूला बनाने वाले क्वेश्चन सेकेंड क्लास में वो डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ यूनिट सेल, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ यूनिट सेल, और इसी को हम बोलते हैं आपका नियरेस्ट नाइबर या फिर नियरेस्ट टू नियरेस्ट नाइबर। ये जो सब होता है वो आज का बेसिकली हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, नियरेस्ट एंड नियरेस्ट नाइबर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर। गुड आफ्टरनून छोटू, गुड आफ्टरनून मृदुल, वेलकम राहुल, आप भी आ गए हो तो आप भी कमेंट कर दें। तो बेसिकली एक चीज है जो हमें यहाँ पे नोट करनी है, वो क्या है, इसके ऊपर ये जो आज टॉपिक इस क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, जैम 2020 में भी क्वेश्चन आया था एंड जैम 2019 में भी क्वेश्चन आया था इस टॉपिक के ऊपर। तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिएगा डिटेल में, और काफी एनिमेशन यूज करूंगा, अगर किसी को समझ में ना आए तो जब भी रोक के मुझसे पूछिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से सेशन को। तो सॉलिड स्टेट की ये क्लास है, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है, तो ये हमारी यहाँ पे तो भाई पुरानी ये पीपीटी है, तो इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। हाँ सीधा टॉपिक पे चलते हैं। तो टॉपिक क्या कहेगा अपना, तो टॉपिक है जी आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की हम बात करते हैं। तो मैंने जैसा कि कल आपको बताया भी था कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, हेलो राहुल, तो कल जैसा कि मैंने आपको बताया था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ आपका कहाँ पे पाए जाते हैं, कॉर्नर पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले जो हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। पहली बात तो देखिए सी एन यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग ये कि एक एटम अपने साथ और कितने एटम के साथ जुड़ा हुआ है, एक एटम और वो कितने एटम के साथ जुड़ा हुआ उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, उसी को नियरेस्ट डिस्टेंस भी बोला जाता है, उसी को हमें नियरेस्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं। ये बात भी आपको यहां पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखिए अगर बात करें, ये आपको ऐसा नजर आ रहा है कि दूर दूर है, हालांकि मैंने आपको बताया था कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए होते हैं, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। शायद आगे मिल भी जाए पीपीटी में ही आपको ये चीज, मैं देखता हूं भाई क्या क्या यहाँ पे दिया गया है और क्या क्या नहीं दिया गया है, ठीक है। तो जैसे कि ये देखिए यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हैं इस पीपीटी में कि यहाँ पे जो ये दो एटम है ये दोनों मिले हुए हैं। अगर हम कहें कि इसका जो रेडियस है वो आर है और इसका भी जो रेडियस है वो आर है, क्या यहां से आपका जो 2R है, आर का मतलब यहाँ पे रेडियस ऑफ एटम है, आर का मीनिंग जो है यहाँ पे वो आपका रेडियस ऑफ एटम से है कि रेडियस ऑफ आपका एटम है, ठीक है। तो ये पूरी एक एज लेंथ भी तो हो गई। अरे भाई मान लो कि ये पूरी, अगर ये भी आर है और ये भी आर है तो ये पूरी एक एज लेंथ है जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, ये पूरी एक एज लेंथ है जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। तो यहां पे जो 2R है वो आपका इक्वल हो जाएगा ए के, और यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो आर होगा वो आपका ए बाई टू होगा, आर जो होगा आपका वो ए बाई टू होगा। ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए बात चल रही है। किसके लिए बात चल रही है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए बात चल रही है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, वो कॉर्नर पे पाए जाते हैं, इस प्रकार से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए भाई इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये ऑलरेडी मैंने समझा दिया है, इसमें कोई आपको इश्यू नहीं होगा। यहाँ पे पीपीटी है तो भाई ऐसे ही चलेगी। यस ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं खुद से समझाना चाहूंगा मेरे तरीके से पहले आपको। तो यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं, एक क्यूब बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा एक क्यूब बनाते हैं। और अब हम बात करें जी कोऑर्डिनेशन नंबर की, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कितने डिस्टेंस पे होता है, कितने होते हैं ऐसे एटम, ना सब डिटेल में डिस्कशन होगा यहाँ पे। अब देखिए अगर हम बात करें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की,
तो इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से एंड इसको यहाँ से। तो आप मुझे ये बताइए, मान लो भाई आपका जो एटम हुआ यहाँ इस कॉर्नर पे आपने रखा हुआ, इस कॉर्नर पे, तो इस कॉर्नर के साथ कितने एटम टच कर रहे होंगे? पहली बात आपको ये बतानी है कि ये वाला जो एटम है, इस कॉर्नर वाला एटम आपने सिलेक्ट कर लिया है, आपको यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। और ये क्या है, एक यूनिट सेल है। पहली बात ये भी ध्यान रखना कि ये एक यूनिट सेल है, पूरा क्रिस्टल सिस्टम नहीं है, पूरी क्रिस्टल लैटिस नहीं है, ये एक यूनिट सेल है। अब इसके साथ कौन कौन से एटम, कितने, है ना? देखो पहली बात तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कितने टच कर रहे होते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, नियरेस्ट नाइबर। क्या बोलते हैं भाई इसी को हम नियरेस्ट नाइबर बोलते हैं, यानी कि सबसे नजदीकी पड़ोसी। जैसे भाई मान लो कि ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, होम नंबर वन है, ये आपका खुद का घर है, तो इसके पड़ोस में जो घर रहा होगा वो नियरेस्ट घर है, नियरेस्ट नाइबर है वो आपका। एंड यहां पे भी हो सकता है कि वो हो सकता है कि वो यहां पे भी हो सकता है कि वो यहां पे भी हो, है ना? तो एक घर के लिए तो आपका चार नियरेस्ट नाइबर हो सकते हैं, लेकिन यहां पे कहानी थोड़ी सी अलग होती है, समझिए। तो अब यहां से अगर बात करें, क्या यहां पे एक इस कॉर्नर पे एटम रहा होगा जो इससे टच कर रहा है? क्या यहां पे इस कॉर्नर पे भी एक एटम रहा होगा जो इससे टच कर रहा है? ये इतना बड़ा नहीं होता भाई, बैलेंस बराबर होते हैं, मैं जस्ट समझा रहा हूं आपको। तो यहां पे जो आपका एटम रहा होगा वो भी इसको टच कर रहा होगा, इसको टच कर रहा होगा, यहां पे जो एटम रहा होगा वो भी इसको टच कर रहा होगा, एंड यहां पे भी जो एटम रहा होगा वो इसको टच कर रहा होगा। और कितने डिस्टेंस है ये? ए डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है ये? ए। ये भी ए डिस्टेंस है, ये भी ए डिस्टेंस है, और ये भी आपका ए डिस्टेंस है। तो बात ये आती है कि सर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर नियरेस्ट नाइबर को ही बोलते हैं। एक एटम के सबसे नियरेस्ट नाइबर जो होते हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो भाई देखो, अब दिखने से यहां पे ये लग रहा है कि सर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की अगर आप बात करोगे तो यहां पे सिर्फ आपका हमें तो तीन दिखाई दे रहे, बट देखिए जैसे आप इस स्ट्रक्चर से देखिएगा तो जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा। ये आपका ऐसा एटम जो आपने फिक्स किया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखना चाहते हो आप। उसके बाद ये वाली यूनिट सेल वो है जिसका मैं अभी बात कर रहा था, ये वाली यूनिट सेल वो है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था थोड़ी सी देर पहले, जो मैंने बनाई हुई ये वाली यूनिट सेल है। अब मैं बात कर रहा हूं कि कोई भी अगर कोर, क्योंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपके एटम्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, तो कोई भी आपका कॉर्नर एटम ले लो, वो आपका छह और एटम से कनेक्टेड होता है। छह और से कौन कौन सो से भाई? देखो, एक तो आपका इससे कनेक्टेड है, इस यूनिट सेल में एक इससे और एक इससे है। अब एक ऐसे इसके पीछे भी तो रहा होगा ना, थ्री डायमेंशनल, इसके पीछे एक यहां पे भी तो रहा होगा ना, एक यहां पे एंड एक ऊपर भी तो रहा होगा, एक ऊपर भी तो देखो ये वाला जो है एक इससे, तो एक यहां पे एटम रहा होगा उससे भी जुड़ा होगा, एक यहां पे, अगर एक यहां पे होगा उससे भी जुड़ा रहेगा, एक यहां नीचे है तो एक ऊपर। इस स्ट्रक्चर से आप काफी अच्छे से देख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर से देखिएगा और समझ में ना आए तो पूछिएगा। तो यहां से देखिए, ये वाला जो है इससे जुड़ा हुआ है, सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस यही हो सकता है, क्योंकि कॉर्नर का जो नियरेस्ट डिस्टेंस है वो ए डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये भी आपका क्या आ गया? ए। ये भी आपका क्या आ गया? ए आ गया, ठीक है। इसी प्रकार ये पीछे जुड़ा रहेगा, इसी प्रकार ये यहां जुड़ा रहेगा, और इसी प्रकार ये यहां जुड़ा रहेगा। तो बात ये आती है, द नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस इज जस्ट लैटिस पैरामीटर। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की अगर आप बात करोगे, तो इसका जो नियरेस्ट नाइबर होता है, दो चीजें पूछी जाती है यहां से, एक तो किस डिस्टेंस पे होता है और कितने होते हैं, है ना, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ऐसे। तो नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस इज जस्ट लैटिस पैरामीटर, यानी कि नियरेस्ट नाइबर का जो यहां पे डिस्टेंस रहेगा, नियरेस्ट नाइबर का जो यहां पे डिस्टेंस होता है वो ए। और ऐसे कितने पॉइंट होते हैं भाई आपका? छह होते हैं। ऐसे आपको छह, यानी कि नियरेस्ट नाइबर का अगर नंबर पूछे तो छह हो जाएगा, अगर डिस्टेंस पूछे तो ए। एक बात और ध्यान में रखना स्टूडेंट, कि आपको ए और ए बाई टू, ए और ए बाई टू डिस्टेंस, यहां पे तो कोई मीनिंग नहीं, ए और ए बाई टू डिस्टेंस पे हमेशा आपको छह एटम ही मिलेंगे। या तो आप ए डिस्टेंस ले लेना या आप ए बाई टू डिस्टेंस लेना, हमेशा आपको वहां पे छह उसका मिलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो नियरेस्ट नाइबर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स जो वो सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, और कॉर्नर वाले जो सबसे नजदीक जो डिस्टेंस होता है, अगर आप सारे एटम्स को कॉर्नर पे रख दोगे तो सबसे जो नजदीक डिस्टेंस होता है वो ए डिस्टेंस होता है, और आपके ऐसे आपको छह पॉइंट नजर आ सकते हैं। तो देखिए यहां पे लैटिस पैरामीटर ए,
therefore coordination number for the given atom in simple cubic unit cell is 6. समझ में आया स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब ठीक है सर, ये ए डिस्टेंस है. अब अगर मैं इस यूनिट सेल की बात करता हूं, इस पर्टिकुलर यूनिट सेल की, अब ये तो ठीक है आपका ए डिस्टेंस पे. अब ये वाला जो एटम है ना, जो मैंने ब्लैक से दिखाया ये वाला एटम, ये जो मैंने दिखाया यहां पे ये वाला एटम, और ये जो मैंने दिखाया ये वाला एटम, अब ये तीनों देखोगे ना आप इस कॉर्नर से, इस वाले कॉर्नर से आपका फेस डायगोनल के थ्रू जुड़े हुए हैं. इस वाले कॉर्नर से आपका फेस डायगोनल के थ्रू, ये भी फेस डायगोनल से जुड़ा हुआ है, ये भी फेस डायगोनल से जुड़ा हुआ है, एंड ये नीचे वाला भी फेस डायगोनल से जुड़ा हुआ है. समझ में आई बात. अब फेस डायगोनल का डिस्टेंस कितना होता है, तो देखिए ये भी आपका ए होता है ए, एंड ये भी आपका ए होता है. अगर आप ए और ए की बात करोगे, यानी कि अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस में आपका ए का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा रूट 2a हो जाएगा. यानी कि ये जो डिस्टेंस होता है ना आपका, ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये आपका कितना होगा रूट 2a, कितना रूट 2a. अब मुझे ये बताओ a बड़ा होता है या रूट 2a बड़ा होता है. रूट 2 की जो वैल्यू होती है भाई 1.414 होती है, इसका मतलब रूट 2a बड़ा होता है. इसके बाद अगर आप बात करोगे यहां पे कि यहां पे आपने देखा कि भाई इसमें जो नेक्स्ट डिस्टेंस आएगा है ना, एक तो हमने बोला जी नियरेस्ट नाइबर, एक होता है नेक्स्ट टू नियरेस्ट नाइबर. नियरेस्ट नाइबर ठीक है ए डिस्टेंस पे है 6 पॉइंट, ठीक है. उसके बाद आप बताओ कि जो नेक्स्ट नियरेस्ट होगा वो कितने डिस्टेंस पे होगा, एंड ऐसे आपको कितने एटम्स मिलेंगे. नियरेस्ट नाइबर बताओ कि कितने पॉइंट रहेंगे, कितने एटम्स होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बेसिकली, और डिस्टेंस क्या होगा. तो डिस्टेंस तो मैंने बता दिया कि रूट 2a होगा, और ऐसे आपको 12 पॉइंट मिलेंगे, ऐसे आपको 12 मिलेंगे 12. तो कभी भी बात करें, अगर कभी भी बात की जाए किसकी, या तो आपका एक मिनट रुको, ठीक है, a बाई रूट टू हो या फिर रूट टू ए बाई ए हो, इतने डिस्टेंस पे अगर आप कभी चेक करोगे तो यहां पे आपको 12 ही नजर आएंगे. जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12. समझ में आ रहा है. आप कहोगे सर हमें तो यहां पे 3 ही दिखाई दे रहा है, आप 12 कैसे कह रहे हो, हमें तो सिर्फ 3 दिखाई दे रहे हैं. मैं बताता हूं कैसे हैं 12. देखो ये समझ में आ गया होगा सभी को, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहां से एकदम से समझ में आएगा आपको. यस, ये रही जी नेक्स्ट स्लाइड. उसके बाद देखिए यहां पे आपका अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अब देखिए यहां पे द नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर आर 12 एट द डिस्टेंस ऑफ, ये जो थोड़ा सा इसको करेक्ट कीजिए, ये आएगा आपका रूट 2a. क्या आएगा रूट 2a, ईच फेस डायगोनल इन एक्स वाई. देखो अब यहां पे अगर मैं इसकी बात करता तो एक ये पॉइंट, ये तो ये जो ब्लैक से नजर आ रहे ना, ये आपका नियरेस्ट नाइबर है, नियरेस्ट नाइबर जो कि a डिस्टेंस पे थे, है ना, ये तो वो हो गए ब्लैक वाले. उसके बाद हम देखते हैं यहां पे, देखिए मैंने आपको 3 पॉइंट दिखाए थे कि इसके कंपैरिजन की अगर बात करें, इसकी कंपैरिजन की, तो एक ये वाला, ठीक है ना, एक यहां पे जो जोड़ा मैंने, उसके बाद एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला, ये तीनों मैंने आपको दिखाए भी हैं यहां पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं. अगर मैं नंबरिंग करके दिखाऊं तो ये जो देखो इन्होंने नंबरिंग की हुई ना 4, 7 और 10, मैं बता देता हूं. देखो ये आपका जी 4 नंबर है वहां पे उस डायग्राम के हिसाब से, ये आपका 7 नंबर और ये आपका 10 नंबर है. अब ऐसे ही क्या, ये तो एक यूनिट सेल है ना, ऐसे ही और भी तो यूनिट सेल होंगे, इसके पीछे भी तो एक रहा होगा ना, यहाँ पे इसके पीछे भी तो एक यूनिट सेल रहा होगा. तो ऐसे ही वहां पे भी 3, ऐसे ही यहां पे भी 3, ऐसे ही ऊपर 3, ऐसे ही, यानी कि जो 3 3 है ना वो आपका 4 यूनिट सेल में आपको देखने को मिलेंगे, 4 यूनिट सेल में. इसलिए आपको 12 पॉइंट्स यहां पे देखने को मिलेंगे, 12 पॉइंट्स आपको यहां से देखने को मिलेंगे. स्टूडेंट समझ पाए या फिर नहीं समझ पाए, स्टूडेंट समझ पाए या नहीं समझ पाए. तो अगर बात की जाए कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, अगर बात की जाए कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर कितने होते हैं, कितने होते हैं, नंबर पूछे तो 12 होते हैं, किस डिस्टेंस पे होते हैं, रूट 2a डिस्टेंस पे होते हैं, और रूट 2a बड़ा होता है इसीलिए वो नेक्स्ट नियरेस्ट है, इसीलिए वो नेक्स्ट नियरेस्ट है. ओके समझ में आ रहा है भाई आप सभी को,
चलो अब हम बात करते हैं जी, इसके बाद क्या बच गया, इसके बाद क्या बचता है अपने पास यहाँ पे। अब देखिए अगर हम बात करें इसमें बाकी सारे पॉइंट बच गए हैं, मतलब यूज हो चुके हैं, सिर्फ एक पॉइंट ऐसा बच गया जो यूज नहीं हुआ, और वो कौन सा, ये वाला। ये वाला अगर आप बात करेंगे, ये वाला जो एटम है यहाँ पे जो मैंने दिखाया बिल्कुल ब्लैक से, ये वाला, अब ये आपका इस एटम से बॉडी के सेंटर के थ्रू कनेक्टेड है। ये वाला आपका इस बॉडी के सेंटर के थ्रू, बॉडी डायगोनल के थ्रू कनेक्टेड है, बॉडी डायगोनल के थ्रू, ठीक है ना। इसको मैं आपका दो तीन बार बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये आपका बॉडी का डायगोनल है, समझ पा रहे हो मेरी बात को। अब ये डिस्टेंस कितना होता है, अब ये डिस्टेंस कितना होता है, तो ये डिस्टेंस देखो, ये एक बॉडी का डायगोनल होता है, और एक क्यूब का जो डायगोनल होता है ना, उसका जो डिस्टेंस होता है वो आपका जो होता है वो √3a होता है। क्या होता है वो आपका √3a। तो इसकी जो डिस्टेंस होती है ना वो होती है आपका √3a, इसकी जो डिस्टेंस है। अब मुझे ये बताओ कि √3a बड़ा होता है या √2a बड़ा होता है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि √3a बड़ा होगा √2a से, इसीलिए इसको बोला जाता है आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, देखो पहले था नियरेस्ट नाइबर, फिर था नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर, और उसके बाद आता नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर। अगर इसकी बात करोगे यानी कि थर्ड नाइबर, या इसी को बोलते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर, ऐसे आपको 8 पॉइंट दिखाई देंगे, और जो डिस्टेंस होगा वो आपका √3a होता है, वो आपका √3a। जैसे ए इस यूनिट सेल में बात करोगे, ये 8 यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल में एक ही एटम दिखाई देगा, एक यूनिट सेल में एक ही होगा, तो 8 है ना, 8 यूनिट सेल होते हैं, है ना। एक ये वाला यूनिट सेल यहाँ पे, ये वाला फिर नीचे जाके कनेक्ट होगा उससे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, इसी प्रकार ऊपर, इसी प्रकार वहां पे, इसी प्रकार कॉर्नर वाले जो लास्ट है, ये जो डिस्टेंस होता है। तो अगर हम बात करें, अब हमें बिल्कुल सही से समझ में आ गई है सारी बातें, तो वो ये है कि अगर हम बात करें यहां पे हमारे पास सिंपल क्यूबिक की बात चल रही है अभी, तो सिंपल क्यूबिक में जो आपका नियरेस्ट नाइबर होता है आपका एन एन, अगर बोले नियरेस्ट जो नाइबर होता है वो आपका 6 होते हैं, एंड आपका जो वो है वो आपका a डिस्टेंस पे होते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट टू नियरेस्ट नाइबर, नेक्स्ट टू नियरेस्ट नाइबर की अगर आप बात करोगे तो वो 12 पॉइंट होते हैं, और वो आपका √2a डिस्टेंस पे होते हैं। अगर बात करें आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर, तो वो आपको 8 मिलेंगे, और वो आपका √3a डिस्टेंस पे होते हैं, √3a डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट बोलो समझ में आ रहा है क्या? ओके तो यहां से देखिए ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन, और इसी को मैंने टेबुलर फॉर्म में यहां पे दिखाया भी हुआ है, यहां से देख सकते हो आप, ठीक है ना। तो यहां पे लिखा हुआ जी, सबसे पहले कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर किसके लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। तो यहां पे लिखा हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर नेम, तो नियरेस्ट नाइबर कितने होते हैं भाई, किस डिस्टेंस पे होते हैं, ए डिस्टेंस पे, या फिर आप बोल सकते हो 2r डिस्टेंस पे, कितने होते हैं, 6 होते हैं। उसके बाद अगर आप बात करोगे नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर कितने होते हैं, तो वो √2a डिस्टेंस पे होते हैं, और ऐसे 12 पॉइंट होते हैं। उसके बाद अगर बात करोगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर कितने होते हैं, तो वो √3a डिस्टेंस पे होते हैं, एंड ऐसे 8। उसके बाद अगर और भी पूछ ले, हालांकि पूछेगा नहीं, यहां 3 तक ही पूछता है, मोस्ट प्रोबेबली 2 तक ही रह जाता, अगर पूछ ले फ्यूचर में तो क्या करोगे। अगर आपसे कल को पूछ ले नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर, तो वो आपका 2a डिस्टेंस पे होते हैं। और मैंने आपको एक पॉइंट अभी बता दिया, आपको समझ में आ जाना चाहिए, a हो, a बाई 2 हो, या 2a हो, इन पे आपको हमेशा 6 ही मिलेंगे। तो ये, उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर, है ना, इतना पूछेगा नहीं, तो वो आपका इतने डिस्टेंस पे होते हैं, और वो आपका जो है 14 पॉइंट्स आएंगे। बट लास्ट वाले दोनों आपके लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ऊपर वाले तीनों समझ में आने चाहिए, कैसे होते हैं, कितने होते हैं, क्यों होते हैं, पूरा मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एक्सप्लेन कर दिया है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जी नेक्स्ट हमारी जो होती है, दैट इज बीसीसी, और इसके ऊपर क्वेश्चन आए भाई सीएसआर नेट में भी आए हैं, गेट में भी, और जैम में तो आए ही आए हैं, ठीक
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा बीसीसी की। बीसीसी टाइप का एक यूनिट सेल है। अगर बीसीसी की बात करें तो बीसीसी में आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर यहां पे बनाए हम कुछ इस प्रकार से एक क्यूब बनाते हैं और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एक क्यूब मैं बना रहा हूं भाई, इससे समझने की कोशिश करेंगे। बीसीसी में जो एटम्स हैं वो कहां कहां पे होते हैं? बीसीसी में जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, यानी कि कॉर्नर पे तो वो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, कॉर्नर पे तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। साथ में वो बॉडी के सेंटर पे भी होता है, साथ में वो बॉडी के सेंटर पे भी होता है। अब यहां पे क्या आ जाएगा भाई, बॉडी का एलिमेंट। ये बीच में मान लेता हूं मैं, यहां पे कहीं पे आपका बॉडी का सेंटर है ये वाला, ठीक है। अब देखिए आपको बताना कि नियरेस्ट नाइबर कितने होंगे, नियरेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। अब हमें यह पता कि ये जो होता है ना आपका कॉर्नर कॉर्नर से ए डिस्टेंस पे दूर होता है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूरे पूरे की बात करूं कि ये जो बॉडी डायगोनल है इसकी वैल्यू कितनी थी, इस बॉडी डायगोनल की अगर आप बात करोगे, इस बॉडी डायगोनल की पूरे की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, और ये देखो टच करते हैं ऐसे, ये वाला जो बॉडी का जो सेंटर है, ये वाला जो कॉर्नर है और ये वाला जो कॉर्नर है, ये आपस में टच करते हैं तीनों एक दूसरे को, ठीक है। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है ये कितना होता, मैंने आपको बताया ये पूरा डिस्टेंस होता √3a। अगर ये पूरा √3a है तो अगर इसका हाफ पोर्शन लिया जाए इतना सिर्फ, यहां से लेके यहां तक है ना, यानी कि बॉडी के सेंटर से लेके और एक कॉर्नर तक, बॉडी के सेंटर से लेके एक कॉर्नर तक कितना होगा, अगर ये पूरा √3a है तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो आपका √3/2 इंटू में a होगा, यानी कि √3a का आधा कर देंगे, √3a जो है ना आपका उसका उसको दो से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि पूरा अगर ये इतना है इन दोनों को ऐड करोगे ना, यानी कि उसका हाफ कर दो। अब मुझे ये बताओ भाई, a बड़ा होता है या √3a/2 बड़ा होता है ना? अब बताइए, a बड़ा होता है या √3/2a बड़ा होता है? तो सीधी सी बात है, ये छोटा होता है। अगर अब ये छोटा है तो ऐसा आपको, ये देखो मैंने आपको बताया था, अगर चाहे आप बात कर लो √3a की या फिर आप बात कर लो √3a/2 की, ऐसे आपको 8 पॉइंट दिखाई देते हैं, है ना, ऐसे आपको 8 पॉइंट दिखाई देते हैं, एक इस यूनिट सेल में, एक इसकी बगल वाली यूनिट सेल में, एक पीछे वाली में, एक उससे एक चार ऊपर वाली में। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, बीसीसी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है वो आपका 8 होता है। अगर है ना ए बड़ा होता है, यस, तो हमें तो नियरेस्ट नाइबर चाहिए ना। नियरेस्ट नाइबर का मतलब होता है सबसे क्लोज, है ना, ए से छोटा होता है √3a/2, यानी कि वो छोटा होता है, इसका मतलब वो क्लोज है। अगर बीसीसी में आपसे बोला जाए कि नियरेस्ट नाइबर क्या होगा, तो आपको कहना कि 8 मिलेंगे आपको ऐसे, और डिस्टेंस किस पे, √3a/2 पे। उसके बाद अगर बात की जाए, उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर क्या होगा, अभी मैं इसको भाई समझा भी दूंगा, इमेजेस इसके लिए भी हैं मेरे पास। अगर आपसे नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर पूछे तो वो आ जाएंगे अब आपका 6, और वो किस डिस्टेंस पे रहेंगे, ए डिस्टेंस। वो किस डिस्टेंस, हाफ क्यों किया, ओके हाफ क्यों किया, देखो अरे भाई हाफ, हमें बात ये करनी है। देखिए मृदुल, मैं आपको समझाता हूं हमें बात क्या करनी है, मैं ऐसे समझाता हूं आपको, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूं, हाफ कैसे है, मैं इसको कॉपी करता हूं यहां से, एक मिनट, बस एक मिनट का समय दो, मैं काफी अच्छे से समझा दूंगा आपको। यहां पे देखिए, अब आप कह रहे हो कि हाफ क्यों किया। देखिए भाई मृदुल, ये आपका घर है, देखना यहां से जो मैं आपको बता रहा हूं ना, मृदुल का घर ये है भाई, यहां पे आपका मृदुल एम का घर है, ठीक है। एक घर यहां पे भी बना हुआ है भाई, बिल्कुल एक घर यहां पे भी बना हुआ है, तो वो कितने, ये मान लो भाई सूर्या का घर है, एक सूर्या का घर यहां पे है, ठीक है। एक घर यहां पे भी बना हुआ है, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल छोटू का घर है, ठीक है, छोटू का घर है, ठीक है भाई, समझ में आई बात। और एक आपका यहां पे भी बना हुआ है, एक घर यहां पे भी बना हुआ है,
ये फॉर एग्जाम्पल भाई टीचर का घर है, टीचर का घर, ठीक है, एक घर यहाँ पे भी बना हुआ होगा, कहाँ पे, ये हो गया, तो एक घर रहा होगा थोड़ा सा कहीं यहाँ पे, ये मान लो कि भाई आपका किसका, राहुल का घर है, ठीक है। तो ये जो पूरा डिस्टेंस था ना आपका, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई बताओ मृदुल का सबसे पास का पड़ोसी कौन सा है, नियरेस्ट नाइबर का मतलब तो यही ना कि सबसे पास का पड़ोसी कौन सा है, तो भाई जिस मतलब मृदुल के घर के पास जो सबसे ज्यादा, जो सबसे कम डिस्टेंस पे रहेगा वही तो उसका पड़ोसी है ना। अब अगर बीसीसी है ना, तो यहाँ पे एक एटम होता है बॉडी के सेंटर पे। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे कि भाई बी एम से टी का जो डिस्टेंस है ना, एम से जो टी का डिस्टेंस वो पूरा √3a होता है, ठीक है ना, ये होता है, आपको पता है इस बात का। अगर मैं आपसे कहूं कि मृदुल से छोटू के घर का जो डिस्टेंस है वो a डिस्टेंस है, अगर मैं आपसे कहूं कि मृदुल के घर से लेके और आपका राहुल के घर का जो डिस्टेंस है वो √2a है, और ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि m से t कितना है, पूरा कितना है √3a, और उसके आधे हिस्से में सूर्या का घर है। अब आप मुझे ये बताओ कि सबसे क्लोज कौन हुआ, मृदुल का पड़ोसी सबसे नजदीक कौन हुआ, और आधा तो करना पड़ेगा ना, मृदुल हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि है ना ये टच करते हैं आपस में, हमें नियरेस्ट नाइबर चाहिए जो सबसे क्लोज पड़ोसी हो, जो सबसे नजदीक हो। इसके सबसे नजदीक कौन होगा, इसके सबसे नजदीक पे बॉडी के सेंटर पे एक एटम रखा हुआ है, वो कॉर्नर वाले से नजदीक है, कॉर्नर वाला अगर ए डिस्टेंस पे है ना, तो ये √3a/2 डिस्टेंस पे है, यानी कि ए डिस्टेंस से भी कम डिस्टेंस पे है, तो ये उसका सबसे नजदीकी पड़ोसी हुआ ना। अब यहां पे अगर मैं बात करूं ना मृदुल का, पहले क्या था ना, पिछले पिछले क्वेश्चन में अगर आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में बात करोगे ना, वहां पे ये चीज मिस थी, ये वाला पॉइंट वहां पे मिस था, कौन सा, कि वहां पे सूर्या का घर था ही नहीं, वहां पे सूर्या का घर था ही नहीं, क्योंकि वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल था। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में बॉडी के सेंटर पे कोई एटम नहीं होता, लेकिन अब जो कंडीशन है ना, अब सूर्या का घर है और सूर्या का घर नजदीक है, और ये देखो मैं अभी समझाऊंगा, एनिमेशन से समझाऊंगा, टेंशन मत लो, अभी देखो अभी आएगा भाई समझ में आपको एकदम से। देखिए इस डायग्राम से समझिए, शायद आप समझने में काफी आसानी हो जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो ये कॉर्नर जो 1/8 हिस्सा है इस कॉर्नर का, और ये देखो बॉडी का सेंटर, जो ये आपको रेड टाइप का नजर आ रहा है ये बॉडी का सेंटर है, और ये वो वाला कॉर्नर है, ये तो आपस में टच कर रहे हैं। ये जो पूरा डिस्टेंस है ना यहां से यहां तक का, ये जो पूरा डिस्टेंस है ये कितना है आपका, तो ये √3a है, क्योंकि ये बॉडी का डायगोनल होता है। अगर मैं बात करूं, मुझे तो वो चाहिए ना नियरेस्ट नाइबर, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ना इस रेड से लेकर इस कॉर्नर का, ये आपका आएगा √3a/2। अब यहां पे देखो ये जो इन दोनों का जो डिस्टेंस था वो a था, और इन दोनों का इस बॉडी सेंटर आने की वजह से जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, √3 तो पूरे का था, उसका आधा कर देंगे तो √3a/2 डिस्टेंस हो गया। इसका मतलब वही समझाना मैं आपको चाह रहा हूं यहां पे। बोलो मृदुल समझ में आया, छोटू राहुल समझ में आ रहा है क्या आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीजें भाई समझना। तो यहाँ पे भाई कुछ थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें बताई गई होंगी, उनसे हमारा कोई लेना देना भी नहीं है, ठीक है, ये कोई काम की चीजें नहीं है। ये सीधा वही कंक्लूजन निकालेंगे कि जो आपका सी होता है वो √3a, ये सब ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है, तो इसके ऊपर जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इसमें आ जाओ फटाफट से। अब इन्होंने कहा कोऑर्डिनेशन नंबर, तो मैंने बताया कि नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस बीसीसी, ये किसकी बात चल रही है, बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड, बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड यूनिट सेल की बात चल रही है। तो यहां पे जो नियरेस्ट डिस्टेंस है वो होता है आपका कितना, यानी कि नियरेस्ट नाइबर कितने होते हैं, 8, और किस डिस्टेंस पे होते हैं आपका, √3a/2 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो कि ये जो आपको ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है ना, ये ऑरेंज कलर, यहां से यहां, यहां से यहां ऑरेंज, ये वो बॉडी का सेंटर है भाई, हर यूनिट सेल का एक बॉडी का सेंटर रहा होगा वो है ये, तो 8 होते हैं, 8। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 8 होता है, ठीक है। उसके बाद आता जी नेक्स्ट टू नियरेस्ट नाइबर, ठीक है, जो आपके पड़ोसी उनसे अगले, तो वो ए डिस्टेंस पे होते हैं, वो कितने पे हो जाएंगे, ए डिस्टेंस पे, क्यों, वो कॉर्नर वाले ही हो जाएंगे, और ए डिस्टेंस पे आपको 6 पॉइंट मिलेंगे, ए डिस्टेंस पे आपको 6 पॉइंट। उसके बाद अगर वो बात करें नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर, तो वो कितने हो जाएंगे, ये एन 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 का मतलब है नियरेस्ट नाइबर, वो कितने होंगे, अब वो होंगे √2a डिस्टेंस पे।
और वो ऐसे कितने पॉइंट हो जाएंगे, 12 पॉइंट हो जाएंगे। अगर उसके बाद आपसे बोले कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर, तो वो कितने डिस्टेंस पे होंगे, वो आपका ये वाला रूट इसके ऊपर हो जाएगा। ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखो, अभी और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहां से देखिए, ये रहा, अगर आपसे बोला जाए ना कि उसके बाद बताओ, उसके बाद नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर, तो वो आपका 6 पॉइंट होंगे और ए डिस्टेंस पे होंगे, क्योंकि उसके बाद जो सबसे नजदीक आएगा ना, सबसे नजदीक पड़ोसी जो होगा उसका, वो आपका ये वाले होंगे, ए वाले कॉर्नर वाले। उसके बाद अगर आपसे बोला जाए कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर, तो वो फिर कौन से वाले बचेंगे, तो यहां पे देखिए, थर्ड नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपसे बोला है कि थर्ड नाइबर यानी कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर, वो 12 पॉइंट होंगे और वो कितने डिस्टेंस पे, रूट टू ए डिस्टेंस पे। ठीक है, ये तो सेम वही ग्राफ है। अब यहां से अगर आप समझना चाहो, सर इससे समझा सकते हो क्या, इस ग्राफ से समझा सकते हो, देखो उसके बाद देखो, ये तो हमारा नियरेस्ट मिल गया ये वाला, इसके बाद ये आपका जो है ए डिस्टेंस, ये आपका नेक्स्ट नियरेस्ट, और ये वाला जो कॉर्नर आप देख पा, ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, ये वाला है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया भाई, ये वाला, अरे फेस के, फेस डायगोनल के लोग, तो ये कितना हो जाता आपका, तो ये आपका हो जाएगा यहां पे कितना, रूट टू ए। कोऑर्डिनेशन नंबर एट ही है ना, यस कोऑर्डिनेशन नंबर एट है। नियरेस्ट नाइबर को ही कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं भाई, नियरेस्ट नाइबर कितनों से, वो सबसे नजदीक जुड़ा हुआ वो। उसके बाद अगर नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर बोलते, वो भी हम बता पाते, वो कितना हो जाता। उसके बाद बच ही क्या गया यहाँ पे, उसके बाद बच ही क्या गया यहाँ पे, अगर आपसे पूछता कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट, उसके बाद आपका ये बच जाता है, ये वाला पॉइंट, और ये किस पे है, रूट रूट ए रूट थ्री ए डिस्टेंस पे है। ठीक है ना, अब देखो ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए भाई, अगर आपसे बात की जाए तो वो कितना होगा, सबसे पहले यहाँ पे नियरेस्ट नाइबर होगा, तो वो कितने होंगे आपका, रूट थ्री ए बाई टू डिस्टेंस पे, और कितने होंगे, 8 कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर बोले तो वो ए डिस्टेंस पे होंगे, कितने, 6। उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर बोले, रूट टू ए डिस्टेंस पे, 12। उसके बाद अगर आपसे बोले कि नेक्स्ट थ्री, मतलब ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर, तो वो इतने डिस्टेंस, ये दोनों नीचे वाले इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि आपसे इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता, क्योंकि आपसे इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता। बोलो भाई, क्लियर है सभी को, सभी को समझ में आ रहा है, और डायग्राम बड़ी हेल्प कर रहे होंगे भाई आपकी, डायग्राम से बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या कहता है उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट जी एफसीसी, और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, वो दोनों एफसीसी से ही आए हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं दोनों, वो एफसीसी से आए हैं, जैम में, या जो मैंने नेट में भी जो क्वेश्चन देखा वो भी एफसीसी से रिलेटेड था। वीडियो रुक गई है क्या, या चल रही है भाई, चल रही होगी मेरे हिसाब से। तो चलो जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब एफसीसी की। अब ध्यान से देखना मेरे स्टूडेंट्स भाई, आराम से, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब यहां पे फेस क्यूबिक है, तीसरा कौन सा है हमारा यहां पे, तीसरा जो हमारा यहां पे वो फेस क्यूबिक सेंटर्ड है, एफ सी सी। एफ सी सी में एटम्स कहां कहां पे होते हैं, एक तो कॉर्नर पे होते हैं, प्लस में फेस के सेंटर पे भी होते हैं, प्लस में फेस के सेंटर पे भी होते हैं। आओ जी एक क्यूब बनाते हैं और समझते हैं कैसे क्या कहानी होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, समझ में नहीं आता, स्टूडेंट बड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं, लेकिन भाई मैं मेरे पूरे एफर्ट्स लगा के आपको समझा रहा हूँ, और समझ में आ भी गए होंगे आपको, ये है ना, इतने मुश्किल भी नहीं है जितने लगते हैं, है ना, काफी आसान है अगर आप ध्यान से समझोगे तो। ठीक है, तो ये यहां से जोड़ो इसको, इसको यहां से जोड़ो, इसको यहां से, और इसको यहां से। अब स्टूडेंट आपको ये समझना है कि अब एटम्स जो है ना वो कहां कहां पे है, वो कॉर्नर पे तो है ही है, कॉर्नर पे 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 है, कॉर्नर पे। अब आपका वो फेस के सेंटर पे भी है, यहां यहां पे भी है। अब देखो ये पूरा जो डिस्टेंस होता था आपका, ये पूरा डिस्टेंस आप कितना बोलते थे,
ये पूरा डिस्टेंस आप कितना बोलते थे जो मैंने ब्लैक से दिखाया है, तो ये आप बोलते थे कि ये रूट टू ए होता है बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना? ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, अगर हम बात करें ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला जो फेस का सेंटर, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह है, यहां पे भी फेस के सेंटर पे, यहां पे भी फेस के सेंटर पे, यहां पे भी फेस के सेंटर पे, यहां पे भी आगे भी फेस के सेंटर पे और नीचे भी फेस के सेंटर पे, लेकिन मैं एक को ले रहा हूं यहां पे, मैं एक को ले रहा हूं समझाने के लिए। अब ये आप सभी को पता है कि ये वाला जो कॉर्नर है ये इस फेस सेंटर को टच करता है और ये वाला भी इसको टच करता है, ठीक है? अगर ये पूरे की बात की जाए ना, तो पूरा कितना होता था, पूरा आपका रूट टू ए होता था। अब एटम आपका फेस के सेंटर पे आ गए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस, तो आप क्या कहोगे कि सर ये तो आपका ए बाई रूट टू ए हो जाएगा, यानी कि जो रूट टू ए है उसको टू से डिवाइड कर दो, जो रूट टू ए है उसको टू से डिवाइड कर दो, तो वो क्या मिलेगा आपको, ए बाई रूट टू मिलेगा। क्या मिलेगा? a बाई रूट टू मिलेगा। अब मुझे एक बात बताओ भाई, यहां पे आपको जो नियरेस्ट है कंपैरिजन करोगे वो कितना है? एक कॉर्नर वाला है भाई, कॉर्नर वाला कितने डिस्टेंस पे होता है? a डिस्टेंस पे। उसके बाद कौन सा दिख रहा है जी आपको? उसके बाद तो ये दिखते था सिंपल में, ये कितने पे होता था? ये रूट टू ए पे होता था। अब यहां पे फेस के सेंटर पे एटम रखने से क्या हो गया, इसके रिस्पेक्ट में जो सबसे नजदीक डिस्टेंस पे आ गया ना, वो आपका जो डिस्टेंस हो गया वो ए बाई रूट टू ए हो गया, सॉरी ए बाई रूट टू हो गया। कितना? और मैंने आपको बताया था चाहे रूट टू ए हो चाहे ए बाई रूट टू हो, ऐसे आपको 12 पॉइंट्स मिलेंगे। इसका मतलब अगर मैं बात करूं ना नियरेस्ट, पहले तो मुझे ये बताओ भाई, एक है जी आपका a और एक है आपका a बाई रूट टू, कौन सा नंबर बड़ा है? सीधी सी बात है यार, a बड़ा है, इसका मतलब ये छोटा है, यानी कि ये स्मॉल डिस्टेंस है, सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, और सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस का मतलब ही तो होता है ना कि नियरेस्ट नाइबर, नियरेस्ट नाइबर, उसी को तो कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। समझ में आई मेरी बात? अब ऐसे देखो, एक पॉइंट यहां पे, उसके बाद दूसरा कहां, यहां पे रहा होगा, देखो ये वाला फेस का सेंटर, ये भी कितने डिस्टेंस पे आएगा आपका, है ना, a बाई रूट टू। यहां पे ये वाला जो फेस का सेंटर है ये भी कितने डिस्टेंस पे आएगा, a बाई रूट टू इस कॉर्नर से। ऐसे ये तीन में है, ऐसे चार में और आपको मिलेंगे, ऐसे अलग अलग यूनिट सेल में आपको अलग अलग मिलेंगे। तो आप देखोगे तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर, नियरेस्ट नाइबर जो आ जाएगा यहां से, जो आपका नियरेस्ट नाइबर आ जाएगा वो आपका a बाई रूट टू ए डिस्टेंस पे होगा, और ऐसे आपको 12 पॉइंट मिलेंगे, ऐसे आपको 12 पॉइंट मिलेंगे। स्टूडेंट मुझे बताओ कि समझ में आया या नहीं? ठीक है, जल्दी से बताइए कि आपको ये बात समझ में आ रही है क्या, नियरेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है। आप अरेंजमेंट में देखो, एक एटम फिक्स कर लो कोई भी, आप देखो कि उसके सबसे नजदीक कौन आ रहा है। आप कहोगे सर है ना, आप है ना हमें, मतलब कि आप अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं, अच्छा नहीं पढ़ा रहे, मजा नहीं आ रहा है सर, आप ये कॉर्नर वाला ही क्यों लेते हो, हम तो फेस के सेंटर से देखेंगे नियरेस्ट कौन सा होता है ना। एक बच्चे ने कहा कि सर हम तो इस फेस के सेंटर से देखेंगे। अरे भाई फेस के सेंटर, अगर आप इस फेस के सेंटर को एज्यूम करोगे ना, इससे भी जो आपको मिलेगा वो ए डिस्टेंस पे ही मिलेंगे। जैसे ए डिस्टेंस पे ये, ए डिस्टेंस पे ये, ए डिस्टेंस पे ये, मतलब ए बाय रूट टू पे, ये भी ए बाय रूट टू, चार यहां पे हो गए और चार आपका साइड वाले में, आठ चार आपका ऐसे वहीं पे मिलेंगे, ठीक है? तो ये हो गया जी आपका नियरेस्ट नाइबर। क्या हो गया? नियरेस्ट नाइबर हो गया 12, इसलिए एफसीसी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है। ये आगे जो स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा ना मैं एनएसीएल की, डायमंड की, वहां पे बड़ा अहम रोल अदा करते हैं ये, वहां पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने पड़ते हैं, तो बड़ा काम आएगा भाई ये टॉपिक, क्वेश्चन भी आते और बड़ा काम भी आता है। तो नियरेस्ट नाइबर इतने हो गए, बाकी मैं और अच्छे से समझा देता हूँ भाई विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। तो ये देखो, ये तो मैंने डिस्टेंस तो ऑलरेडी बताए हुए, इन द अबव फिगर लेट द यूनिट सेल एज लेंथ ए, कोई कहानी नहीं है ये तो अपने को, है ना, ये तो ना भी आए तो भी हम निकाल देंगे, ये ऑलरेडी बताया हुआ मैंने। अब यहां से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे देखिए, अगर आपने ये लिया है यहां पे, तो देखो ये फेस, ये जो दिखाया है ना आपका, ये इस फेस का सेंटर है, इस वाले फेस का सेंटर है, ये इस वाले फेस का सेंटर है। तो मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ये आपका ये है कॉर्नर का एटम है, तो इससे a बाई, ये कितना डिस्टेंस है, a बाई रूट टू, ये कितना है, a बाई रूट टू,
ये ऊपर भी a बाई रूट टू, ऊपर भी a बाई रूट टू, तो ऐसे है ये, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले इसी को जब निकालने जाओगे तो आप सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, इसी को भाई सीसीपी भी बोल देते हैं। एफ सी सी और सीसीपी का मतलब एक ही है। सीसीपी का मतलब होता है क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग, क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग। सीसीपी का मतलब होता है क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। अब यहाँ पे नियरेस्ट नाइबर की बात करोगे तो वो होता है भाई आपका a बाय रूट टू पे, और ऐसे आपका 12 पॉइंट आपको मिलते हैं, 12, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 12। उसके बाद नेक्स्ट नियरेस्ट की बात आती, वो a, वो 6 होते हैं, वो 6 होते हैं। उसके बाद देखना स्टूडेंट, उसके बाद देखना, ठीक है। अब ये आपका आ गया इतना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका a तक पहुंच गए। इसके बाद आपके पास जो डिस्टेंस आता वो कितना आता है यहाँ पे, इसके बाद जो डिस्टेंस वो कितना, ये आपका रूट टू ए है एक, तो या तो रूट टू ए बच गया यहाँ पे, या फिर ये वाला बच गया जो कि रूट थ्री ए पे है, रूट थ्री ए पे है। तो इसके बाद कौन आएगा जी, रूट टू ए आएगा, कौन आएगा, रूट टू ए। ये गलत लिखा हुआ है इन्होंने, ऐसा नहीं होता भाई, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये शायद नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर जो होता है, इन्होंने लिखा हुआ कि वो या तो टू लिखे, है ना, या तो यहाँ पे टू आएगा जब बात बनेगी। क्योंकि देखो यहां से अगर आप बात करोगे, इसमें तो ठीक है ये एटम यहाँ पे है, लेकिन किसी का फेस सेंटर, अरे भाई ये चीज समझिएगा, किसी का फेस सेंटर जो है आपका, हाँ, मान लो कि ये जो फेस सेंटर है ना, ये वाला जो फेस सेंटर है, हो सकता है कि ये वाला अगर आपने कॉर्नर लिया तो किसी का फेस सेंटर वो इतने डिस्टेंस पे आ जाए, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन मेनली आपको ये दो तो याद रखने ही रखने हैं, है ना, ये आपको दो याद रखने, इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा भाई अपने एंड पे, ये जो है आपका आएगा। तो देखो क्योंकि ये तो कैसे भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे कंफर्म है, ये आप लिख लेना इसको। ये क्या होता है, जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर होता है, यहाँ पे टू लिख लेना, क्योंकि आप सभी को पता है एक रूट टू ए है और एक रूट थ्री ए है, तो रूट टू ए छोटा होता है ना, तो वो कैसे आ सकता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर एक बार बता दीजिए। अरे भाई नियरेस्ट नाइबर को ही कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, नियरेस्ट नाइबर को ही कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब यह है कि भाई मैं यहां बैठा हूं, मेरे सबसे नजदीक, मेरे से लगे हुए बिल्कुल सट के कितने बच्चे बैठे हैं, कितने टीचर बैठे हैं। तो यहां पे मान लो यहां पे एक बैठ गया, यहां पे आगे बैठ गया एक, एक पीछे, तो चार कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर ऊपर भी बैठ जाए दो, नीचे भी बैठ जाए, मुझे उठा ले बीच में, तो छह, है ना, ऐसे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नियरेस्ट नाइबर को ही कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तेरा उसके बाद अगर नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर बोले तो वो इतने डिस्टेंस पे होते हैं और वो आपका 12 पॉइंट ही होंगे, और उसके बाद तो पूछा जाता ही नहीं है। ये इतने याद रख लेना, ये 3 पॉइंट बस हो जाएगा, हो जाएगा। 12 कैसे होता है, अरे 12 ही होगा यार, 12 कैसे होता, नहीं समझ में आपको, मैं नहीं समझ में आया 12 कैसे होता है। दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं, जो मैंने कल बनाया था ना उससे समझ में आ जाएगा आपको 12 कैसे होते हैं। अगर मैं देख लेता हूं भाई कल वाली स्ट्रक्चर अगर बनी पड़ी है तो मैं उससे बताऊंगा कि 12 कैसे बनते हैं। ये वाली इससे समझ में आएगा 12 कैसे बनते हैं इससे। अरे भाई मैं ये कह रहा हूं कि हमने इस कॉर्नर को अज्यूम किया है, इसके रिस्पेक्ट में क्या इस ऊपर वाले का फेस का एक सेंटर रहा होगा, यहां पे एक फेस का सेंटर रहा होगा, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे रहा होगा, a by root 2 डिस्टेंस पे। इसी प्रकार इस फेस का भी एक सेंटर रहा होगा यहाँ पे, कितने डिस्टेंस पे, इस वाले का इस पे। उसके बाद देखो पीछे वाला जो फेस है यहाँ पे, ये वाला जो फेस है, ये वाला जो फेस है ना, इसको मैं जो दिखा रहा हूं अब, इसके ऊपर भी आपका एक रहा होगा, कितने डिस्टेंस पे, a by root 2 डिस्टेंस पे। अगर ऐसे हैं तो ये तो इसकी बात हुई ना, ऐसे ही आप पीछे वाले में यहां पे देखोगे तो कितने पे मिलेगा, रूट टू ए बाय रूट टू पे। इसी प्रकार आप इसमें देखेंगे इस फेस पे रूट क्या, रूट ए बाय रूट टू। इसी प्रकार आप यहां पे देखेंगे कितना, तो रू ये रहा। इसी प्रकार आप ऊपर इस फेस की बात करेंगे यहां पे, ये रहा जी। इसी प्रकार आप इस फेस की बात करेंगे, ये रहा जी। इसी प्रकार आप खुद सोचो थोड़ा सा, कनेक्शन लगाओ, आप खुद सोचो थोड़ा सा कि क्या कहानी है यहां पे। आपको एक सेंटर में बिठा दिया है और आपको बोला गया है कि भाई एक अरेंजमेंट है ना, एक अरेंजमेंट दिखाई दे रही है आपको। आप कोशिश करना कि खुद ऐसा बना के देखें, ठीक है। तो वहां पे आपको देखोगे ना, तो a by root 2 डिस्टेंस पे अगर आपने FCC टाइप की अरेंजमेंट की है, मान लेना आप ऐसे करके देखना घर पे खुद कि आप सेंटर में बैठ जाना। देखो केमिस्ट्री का मैं जबरदस्त चीजें समझा देता हूं आपको, है ना, ये डेली लाइफ का एग्जांपल एकदम से
क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, है ना। यहां पे आप ऐसे करना कि आप खुद सेंटर में बैठ जाना। पहली बात तो पहला आप ये करना, छोटू एंड राहुल आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखना कि भाई पहले आप एफसीसी टाइप की अरेंजमेंट कर लेना, यानी कि आप क्या कर लेना भाई, एफसीसी में लैटिस पॉइंट कितने होते हैं, मैंने आपको बताया था 8 कॉर्नर एंड 6 फेस सेंटर, यानी कि 14 बच्चों को इकट्ठा कर लेना पड़ोस में, है ना। 14 से तो ज्यादा को इकट्ठा करना पड़ेगा, लगभग 50 बच्चे चाहिएंगे, ठीक है, तो लगभग 50 प्लस स्टूडेंट को इकट्ठा, चलो एक बार 14 को कर लेना। उनको बोलना कि भाई पहले एफसीसी अरेंजमेंट में बैठ जाएं, यानी कि 8 बच्चों को कॉर्नर पे बिठा देना और उनका एक डिस्टेंस फिक्स कर देना। मान लो भाई आपने उनका डिस्टेंस 10 फीट फिक्स कर दिया है, ठीक है ना, कॉर्नर का। उसके बाद आप क्या करना, फेस सेंटर, जब आप कॉर्नर पे बिठाओगे ना, आप देखोगे वहां पे, बाकी 3D में ये चीजें पॉसिबल होती हैं, 2D में बनेंगी नहीं आपसे, ठीक है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। हाँ, आप जो आपने देखा होगा एक जो येलो येलो बॉल्स आती हैं, है ना, येलो येलो बॉल्स आती हैं बिल्कुल फॉर्म जैसी, वो आप यूज करके जरूर समझ सकते हैं इन चीजों को, ठीक है। तो ऐसे देखोगे तो आपको दिखेगी चीजें, मुझे तो दिख रही है ना, और जिसको दिख जाती है उसको बड़ा आसान लगता है ये टॉपिक, जिसको दिखती नहीं कहेगा सर 12 कहां से आ गए, कहां है, कुछ दिख ही तो नहीं रहा है। होते हैं भाई 12, ठीक है, फिर भी चलो मैं दोबारा ट्राई कर लेता हूं अगर आपको 12 नहीं समझ में आए हैं तो, ठीक है। अब 3D चीजें होती भाई, ऐसा समझाया समझाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना, बाकी मैंने समझा दिया, हो गया होगा। अब बताओ भाई समझ में आया क्या छोटू आपको, 12 कैसे होते हैं, छोटू 12 कैसे होते हैं, समझ में आया क्या, एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होता है, जल्दी से बताइए, फिर आगे भी बढ़ना है। चलो भाई अब चलते हैं, अपने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं इनसे रिलेटेड। बस कहानी इतनी थी पूरी जो मैंने आपको समझा दी है, कहानी इतनी थी, अब क्वेश्चन कितने भी पूछे जा सकते हैं। अब मैंने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए भाई, आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लिए हैं, अगर आपके एग्जाम में आ गए तो कोई बड़ी बात होने वाली नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, ए सॉलिड हैज बीसीसी स्ट्रक्चर एट इफ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम इज दिस, है ना, ये है, यानी कि नियरेस्ट जो डिस्टेंस है ना, क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब होता है नियरेस्ट डिस्टेंस जो है आपका वो इतना है, तो बताओ एज अ लेंथ कितनी होगी। तो पहली बात तो बीसीसी का जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, नियरेस्ट नाइबर, वो कितने डिस्टेंस पे होता है, तो मैंने आपको पढ़ाया था वो √3a/2 डिस्टेंस पे होता है, तो इसी की वैल्यू आपको गिवन है 1.73 एंगस्ट्रॉम, तो आपको a निकालना है, तो 1.73 × 2 कर दोगे यहाँ पे 2 एंड यहां पे हो जाएगा √3a, ठीक है। इसको पिकोमीटर विकोमीटर में चेंज कर लेना, आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब है इस आपसे यहां पे ये इंफॉर्मेशन पूछी गई, इफ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम इज दिस, तो मैंने देखा बीसीसी है और मुझे पता कि बीसीसी के लिए जो क्लोजेस्ट अप्रोच होती है वो आपका √3a/2 डिस्टेंस पे होती है, ठीक है, ये रहा। तो यहां से a की वैल्यू निकाल लेना भाई, एंगस्ट्रॉम को पिकोमीटर में कन्वर्ट कर लेना, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या करेक्ट आंसर आएगा भाई बताओ जल्दी से, एंगस्ट्रॉम को पिकोमीटर में कन्वर्ट करो, √3a की वैल्यू निकालो, कैलकुलेशन सोल्व करो भाई, कैलकुलेशन तो कर लोगे ना, कैलकुलेशन कर लोगे, ये भी मैं कर देता हूं, चलो कोई बात नहीं, मुझे जहां तक लगता ना ये 200 पिकोमीटर आएगा शायद इसका आंसर, शायद, बाकी देख लेते हैं। √3 जो होता है ना वो इतना ही होता है, यस मैं यही सोच रहा था कि √3 की वैल्यू इतनी होती है भाई, 1.73, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 एंगस्ट्रॉम आएगा और 2 एंगस्ट्रॉम को पिकोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो वो शायद 200 पिकोमीटर बन जाएगा, कितना बनेगा 200 पिकोमीटर बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी आना था, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो आपका सी आना था, ठीक है भाई। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप कहोगे सर क्या बेसिक बेसिक क्वेश्चन पढ़ा रहे हो, भाई ये जैम में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, अभी वो जैम वाले दोनों क्वेश्चन मैंने लिए भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे देखिए, पोटेशियम क्रिस्टलाइज इन बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड विद द यूनिट सेल लेंथ दिस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नाइबर। अब ये चार क्वेश्चन है अलग अलग,
ये चार क्वेश्चन है अलग अलग। तो पहला क्वेश्चन ये बोला कि अगर ये बीसीसी में है तो बताओ आपका व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नाइबर। तो मैंने आपको बताया था कितना होता है, रूट थ्री ए बाई टू। हाँ, उसको नियर अबाउट लिख लेंगे भाई राहुल, उसको 199.76 को लिख देंगे 200 पिकोमीटर। ये होता है, अब ये नियरेस्ट डिस्टेंस होता तो यहाँ पे आप करेंगे आपका 3/2 इनटू में ए की जगह आप पुट कर देंगे 5/2, ये आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन सोल्व कर लेना। सेकंड में आपसे बोला है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर, तो नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर बीसीसी में ए ही होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका ये। सी में आपसे पूछा है हाउ मैनी नियरेस्ट नाइबर डज हैव के, तो मैंने बताया था भाई अगर आप बात करोगे रूट थ्री ए बाई टू डिस्टेंस पे आपको 8 नियरेस्ट नाइबर मिलते हैं, तो 8 आंसर आएगा। एंड उसके बाद आपसे पूछा है कि हाउ मैनी नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर डज के है, वो तो ए डिस्टेंस पे आपको 6 मिलते हैं। ये पूरा क्वेश्चन था जी, ये पूरा एक क्वेश्चन था, आप सभी को समझ में आ गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, होनी नहीं चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, आइए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आईआईटी जैम में आए हैं भाई। तो मेटालिक गोल्ड क्रिस्टलाइज इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, अगर क्यूबिक की यूनिट सेल की जो लेंथ वो इतनी, तो बताओ व्हाट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गोल्ड एटम, है ना। तो गोल्ड एटम के बीच में जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा, एफसीसी है, एफसीसी, एफसीसी में मैंने पढ़ाया कि ए बाई रूट टू ये होता है क्लोजेस्ट, ए बाई रूट टू ये क्लोजेस्ट होता है। ए की वैल्यू आपको गिवन है 4.07, इसको डिवाइड कर देंगे रूट टू ए से। इसी प्रकार अगर आप बी की बात करोगे तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर, तो वो ए होता है, तो आंसर उतना ही आ जाएगा। और आप यहां से देखो देख भी सकते हो कि इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। उसके बाद हाउ मैनी नियरेस्ट नाइबर डज गोल्ड हैव, तो ए बाई रूट टू डिस्टेंस पे आपको 12 गोल्ड, मतलब 12 जुड़े दिखेंगे। एंड उसके बाद अगर नेक्स्ट नियरेस्ट के नंबर पूछे तो वो आपका 6 हो जाएगा, वो आपका 6 हो जाएगा। इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो वो मुझसे पूछ सकता है कि सर हमें ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। यस, देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, कितना जबरदस्त क्वेश्चन दिख रहा है दिखने में। द फ्लोइंग डायग्राम दिस, ओके, क्यूबिक है तो बताओ इनमें से कौन सी करेक्ट होगी। तो ये फर्स्ट ऑप्शन बोला है द अरेंजमेंट इज सिंपल, इज द अरेंजमेंट इज सिंपल क्यूबिक विद ईच लैटिस पॉइंट इज सराउंडेड बाई 6 नियरेस्ट नाइबर, क्या वो 6 नियरेस्ट नाइबर से सराउंडेड होता है सिंपल में। यस yes, बिल्कुल भाई, है ना। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करोगे तो उसका तो 6 ही होता है नियरेस्ट नाइबर, इसका मतलब ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है ए। क्या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 12 नियरेस्ट नाइबर होते हैं, नहीं भाई ऐसा तो नहीं होता। एफसीसी विद ईच लैटिस पॉइंट 12 नियरेस्ट नाइबर, यस बिल्कुल सही है, एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है ना, ये आपका एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सही है। द अरेंजमेंट बीसीसी विद ईच लैटिस पॉइंट इज सराउंडेड बाय 8 नियरेस्ट नाइबर्स, यस ये भी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका ए सी डी, क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा ए सी डी। किसी को कोई प्रॉब्लम परेशानी जल्दी से बता दें अगर ऐसा कुछ है तो, जल्दी से बता दे अगर ऐसा कुछ है तो, होनी नहीं चाहिए, इजी है भाई बहुत इजी। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो क्या कहता है आपको। तो यहाँ पे देखिएगा भाई, अगर हम बात करें, यस ये देखो ये थोड़ी सी और भी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है यहाँ पे। अब इन्होंने कहा ये जो है आपका सीसीपी शो कर रहा है, सीसीपी का मतलब एफसीसी है, अभी आपके लिए सीसीपी का मतलब एफसीसी, फेस क्यूबिक सेंटर्ड विद द फेस सेंटर्ड एटम मार्क्ड 1, 2, 3 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखो ये जो आपका ए पॉइंट है ये कहीं कॉर्नर पे है, ठीक है, ए पॉइंट जो है वो कॉर्नर पे है, बी आपका यहाँ पे है। तो पहली बात तो ये है सीसीपी में एटम्स कहाँ कहाँ पे होते हैं, सीसीपी में जो एटम्स होते हैं ना वो आपका है, वो या तो कॉर्नर पे मिलेंगे आपको या फिर आपका फेस सेंटर पे मिलेंगे। अब ऐसा हो सकता है, मेरी बात को बड़ा ध्यान से समझ लेना भाई, आप मेरी बात को बड़ा ध्यान से समझ लेना, मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो फेस है ना, ये जो 2 नंबर है, ये वाला जो फेस है ये इसका सेंटर तो है, ये जो 2 नंबर, ये देखो ए आपका कॉर्नर हो गया, ये आपका कॉर्नर हो गया, ए कॉर्नर हो गया, ये जो डिस्टेंस होता है ये आपका, चाहे किसी भी फेस हो, हालांकि ये बाहर वाला ही फेस है, ये इस फेस का सेंटर है भाई,
जो मैंने ग्रीन से जो डिनोट किया ये इस फेस का सेंटर है, तो ये कितने डिस्टेंस पे होता है? तो आप कहोगे कि ये तो भाई आपका ए बाय रूट टू डिस्टेंस पे है, ठीक है। उसके बाद देखना मेरी बात को बड़ा ध्यान से समझना, अब ये जो है ना ऊपर वाले फेस का सेंटर, इसका डिस्टेंस कितना रहा होगा? इसका डिस्टेंस, इसको आप ऐसे समझिए स्टूडेंट कि ये आपको जो नजर आ रहा है मोबाइल फोन, ये यहां पे एटम नंबर वन है, ये आपका वन है, ये वाला, ये कॉर्नर वन, यहां पे आपका टू है, यहां पे एक ऐसा फेस है, यहां पे एक ऐसा फेस, देखो ऐसा, आप इसका ये देख लो, ऐसा मतलब ये जो था यहां पे ऐसा फेस, अब इसका यहां पे एक सेंटर है, देखो है ना, यहां पे इसका एक, यहां पे ये जो है ना ये थ्री है, यहां पे ये जो है आपका थ्री है, तो आपको बताना कितना है। देखो यहां से यहां गए, इस टू तक गए कितना डिस्टेंस आया, है ना, इस टू से गए कितना डिस्टेंस आया, तो आप कहोगे जी ये तो आया आपका ए बाय रूट टू। उसके बाद आप अगर यहां से वापिस आते हैं उतना ही, तो कहने का मतलब आओ इसके पॉइंट पढ़ते हैं पहले कि क्या क्या पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए भाई आपका ये जो डिस्टेंस होता है आपका वो रूट टू ए होता है, ए और बी का जो डिस्टेंस वो लिख देता हूं मैं पहले, वो होता है जी आपका ए बाय रूट टू, ठीक है। उसके बाद आपसे बोला गया है कि ये अब इस बाहर वाले फेस का सेंटर, ये एक एक मैं मान लेता हूं कि ये, और उसके बाद मैं मान लेता हूं कि ये जाना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस कितना होता है, ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूं कि यहां पे एक और पॉइंट गिवन है, फॉर एग्जांपल ये दिस इज पॉइंट नंबर फोर, ये एक एज का सेंटर है, ये एक एज का सेंटर है, ये डिस्टेंस कितना होता है? अगर मैं इसको फोर नंबर पॉइंट बोल दूं तो ये डिस्टेंस कितना होता है? तो देखिए अगर आप एक जो है आपका ये कितना है, ये पूरा ए होता है तो ये ए बाई टू होता है, ये ए बाई टू होता है ना, ये बात समझ पाए? तो ये जो डिस्टेंस होता है ना ये भी ए बाई टू होता है, तो ये भी ए बाई टू है और ये वाला भी a by 2 है, तो यानी कि दो से जो तीन है ना, दो से जो तीन है वो a डिस्टेंस पे है। या फिर आप इसको इतना भी नहीं समझ पा रहे ना, इसको आप ये तो समझ सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होता है आपका ये वाला, ये आपका कितना a by root 2 a होता है, ये वाला आपका कितना होता है, ये मैंने ऑलरेडी बताया कि ये a by root 2 a होता है, तो आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं कितना। तो कैसे निकालेंगे देखो मैं बताता हूं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर सकते हैं, a by root 2 का स्क्वायर करना, वो किसके इक्वल आएगा है ना, वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे इसको मैं बी मान लेता हूँ एक बार, इस इतने डिस्टेंस को दो से चार का है ना, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा भाई आपका, वो होगा ए बाई टू का स्केयर, ए बाई टू का स्केयर एंड प्लस में यहाँ पे बी का स्केयर, तो इसका स्केयर करोगे ए स्केयर बाई में टू प्लस में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये ए स्केयर बाई फोर बनेगा, यहां से जब आप देखोगे फोर ये आ जाएगा आपका ए स्केयर, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये ए बाई रूट टू आएगा भाई, सॉरी कितना आएगा ये आपका, नहीं रूट टू क्यों आएगा, ए बाई टू ही आएगा, सही है वही तो आएगा ना, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये आपका ए बाई टू ही आएगा, क्या ये जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है एक एज के, एक एज का, एक एज और एक इसका जो डिस्टेंस होता है वो ए बाई टू होता है, ठीक है, ए बाई टू, तो ये भी ए बाई टू होगा क्योंकि ये भी फेस का सेंटर है, ठीक है। अगर आप ये निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये दो से तीन के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, दो से तीन के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, a बाई टू का स्केयर, a बाई टू का स्केयर ऐड करोगे तो शायद ये भी कितना आएगा भाई, देख लो इसको एक बार कैलकुलेट करके, ये आपका आ जाएगा दो से तीन के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो आपका a बाई रूट टू ही आएगा, वो आपका a बाई रूट टू ही आएगा। इसका मतलब दो फेस के सेंटर का, अगर दो फेस के सेंटर है, दो फेस के सेंटर के बीच का डिस्टेंस a बाई रूट टू ही होता है, a बाई रूट टू ही होता है। अब इन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे, आ जाओ जी देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहला, मेरे हिसाब से कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, नहीं हुए तो पूछ लेना। सबसे पहला है एटम थ्री इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम वन एज फ्रॉम वन एज फ्रॉम टू, यस ठीक है, मतलब जो एटम तीसरा है ना क्या वो दूसरा डबल, एटम थ्री इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम वन एज फ्रॉम टू, ठीक है, यहां से यहां और यहां से अगर यहां जाओगे ना तो ये डबल बन जाएगा, ठीक है ना, यहां का जो डिस्टेंस है वो आपका ए बाई रूट टू है एंड यहां दो और तीन का भी जो डिस्टेंस वो ए बाई रूट टू है, और ये एक और तीन के बीच का डिस्टेंस की बात करोगे तो वो हो जाएगा आपका रूट टू ए, वो कितना हो जाएगा, रूट टू ए हो जाएगा, रूट टू ए होगा क्या, हाँ बिल्कुल डबल है, डबल है, ठीक है, ये पहला पॉइंट ठीक है। एटम टू इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, यस बिल्कुल सही है, एटम जो दो है ना वो दोनों से ही, तीन और एक दोनों से ही इक्वल डिस्टेंस पे है, कितने पे, ए बाई रूट टू पे, इसका मतलब बी भी करेक्ट है। एटम टू इज नियर टू वन
देन थ्री, नहीं भाई इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे, ऑल एटम लाई ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल, क्या ये सारे एटम राइट एंगल ट्रायंगल पे लाई कर रहे हैं? तो सारे एटम राइट एंगल ट्रायंगल पे लाई कर रहे हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बोला जा सकता है ऐसा कि राइट एंगल ट्रायंगल पे लाई कर रहे हैं सारे एटम, सारे एटम राइट एंगल ट्रायंगल पे लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, देखो बताओ जल्दी से, दिखने में तो लग ही रहा भाई इनका, और देख लो डिस्टेंस बस आप, ए का स्क्वायर ये टू एंड टू, ठीक है टू स्क्वायर स्क्वायर भाई, ये चेक कर लेना बस, इसमें हो सकता कि हो, बाकी ये जरूर है ए और बी पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है आपका, ए और बी पॉइंट तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, बिंदास जबरदस्त है, और ये क्वेश्चन भाई बड़े जबरदस्त लेवल के हैं, समझ में आ रहा है क्या आपको? बताते जाना मुझे साथ के साथ में कि आपको कुछ समझ में आता भी है या नहीं आता है, ठीक है? बाकी भाई ये वाला पॉइंट मैं आपका चेक कर देता हूँ, हालांकि मुझे तो लग रहा है कि ये होंगे ऐसे ही होंगे, सही है आंसर, ये भी आना चाहिए, बाकी मैं एक बार करेक्ट इसको अपने क्रॉस चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें। ओहो, इसका आंसर सिर्फ बी दिया गया है, इसका मतलब डी भी हटा दो भाई, इसका आंसर सिर्फ बी दिया गया है, इसका आंसर सिर्फ बी दिया गया है भाई, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, हो सकता कि हमने लैंग्वेज ध्यान से नहीं पढ़ी हो, हो सकता कि लैंग्वेज ध्यान से नहीं पढ़ी हो, बी बी तो ठीक है, बी को तो समझ आ गया है, सी हमने एलिमिनेट कर दिया था, तो डी नहीं होगा भाई, डी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि राइट एंगल में क्यों नहीं है, एक रीजन है, देखो अगर ये भी आपका a बाई रूट टू है और ये भी आपका a बाई रूट टू है तो ये कितना होना चाहिए था, पाइथागोरस से जाते तो आप कर देते a का स्क्वायर प्लस में टू, आप कर देते a का स्क्वायर प्लस टू, इसको देखते तो a स्क्वायर आता और इसको देखते तो अंडर रूट करते तो रूट a आता, इसलिए ये इसको नहीं, पाइथागोरस थ्योरम को नहीं मानता है ना, कौन से वाला, एक दो तीन को आपस में जब जोड़ा, इसलिए ये राइट एंगल नहीं होगा। अब एक जो पॉइंट है वो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, एक दो बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर बी दिया गया भाई, इसको ध्यान से पढ़ो इस पॉइंट को कि यहां पे कहां गड़बड़ी की है, यहां पे कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है। तो ये कह रहा कि एटम थ्री इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम वन एज फ्रॉम टू, ये मेरे हिसाब से इसकी लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है, एटम जो थ्री है क्या वो ट्वाइस है, देखो ये अगर आप बात करोगे इससे डबल, इससे डबल है क्या, तो ये कितने डिस्टेंस पे है, दोनों को ऐड कर दो यार, तो रूट टू ए डिस्टेंस पे है, तो ए बाई टू का डबल दिख तो रहा है, लेकिन इसमें हो सकता है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम रही हो कुछ, है ना, हो सकता है कि कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम इसमें रही हो, तो आपका भाई ए आंसर भी नहीं होगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा क्रॉस, ए आंसर नहीं होगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ओनली बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेना एक बार, अगर नहीं समझ में आया तो बता दो एक बार, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो बता दो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, जल्दी से बताइए, और वो मैं भाई पिछला क्वेश्चन भी एमएसक्यू समझ के आपको बता दिया है, वो भी मेरे हिसाब से इसका आंसर भी यहां पे बिल्कुल अलग आ रहा है, इसका आंसर हमने क्या बताया बी, अच्छा ये तो पिछले का लिखा हुआ है, इसका मैंने आपको क्या बता दिया था भाई, एमएसक्यू टाइप करके बता दिया था ना, तो अरेंजमेंट इन द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, देखो भाई एक मिस्टेक इसमें भी हुई है, इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक हुई है, वैसे हमारा ठीक है, लेकिन भाई अगर ये डायग्राम दे दिया ना तो मिस्टेक हो गई है, अगर ये डायग्राम दे दिया तो मिस्टेक हो गई है, स्टूडेंट नोट करना, ये एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन नहीं था भाई, ये एमएसक्यू टाइप, अगर ये डायग्राम नहीं दिया होता तो आपका क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होता, अगर आपका ये डायग्राम दिया ना रहता, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आपका वही एमएसक्यू टाइप से बन जाता, बट अब ये डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में आप ध्यान से देखो, ठीक है, इन्होंने कहा लैटिस पॉइंट जो है कुछ इस तरीके से रेंज है, लैटिस पॉइंट अगर आप देखोगे ना ओनली कॉर्नर पे है, कहां पे है, ओनली कॉर्नर पे है, अगर ओनली कॉर्नर पे है ना तो सिर्फ ए ही ऑप्शन करेक्ट होगा, सिर्फ ए ही ऑप्शन करेक्ट होगा, बी नहीं होगा, इस अरेंजमेंट में एफसीसी बनी नहीं रहा तो आंसर कहां से करेक्ट होगा, इस अरेंजमेंट में डी बनी नहीं रहा तो कहां से करेक्ट होगा, बीसीसी बनी नहीं रहा तो डी कहां से करेक्ट होगा, तो ये अरेंजमेंट देखो, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, आपको ध्यान देना कि यहां पे एटम सिर्फ कॉर्नर पे दिखाए गए हैं, अगर वो दिखा देता बॉडी के सेंटर पे, अगर वो दिखा देता आपका फेस के सेंटर पे, फिर आपका सी और डी भी करेक्ट होते, या ये डायग्राम ना दे तो फिर आपका ए सी डी करेक्ट होते, तो फिर आपका ए सी डी करेक्ट होते, ठीक है, इसको भी करेक्ट कर लीजिएगा, इसको भी करेक्ट कर लीजिएगा,
अब बात आती है जी अपनी वापस उसी क्वेश्चन पे चलते हैं इस पे। तो भाई इसमें देखो ये तो आपको मेरे हिसाब से सही में समझ में आ गया कि बी होगा, डी क्यों नहीं होगा ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सी क्यों नहीं होगा ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब ए पॉइंट में आ रहा है और इसमें मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी हम कर ही रहे हैं यहाँ पे। एटम थ्री इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम वन एज फ्रॉम टू। अच्छा ये कह रहा है भाई स्टूडेंट मेरे हिसाब से कि भाई जो दो से तीन का डिस्टेंस है ना, दो से तीन का डिस्टेंस कितना, ए बाय रूट टू। तो एक से तीन का जो डिस्टेंस है ना क्या वो इसका ट्वाइस है क्या, ऐसा कुछ शायद वो कहना चाह रहा है। तो ये इसका जो डिस्टेंस है, ये इसका एक से तीन का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम तो भाई रूट टू ए ही है, और रूट टू ए इसका डबल करने पे आ जाता है। ए पॉइंट सही तो लग रहा है भाई, ए पॉइंट सही तो लग रहा है, लेकिन इसका आंसर सिर्फ बी दिया गया है। ए पॉइंट सही लग रहा है, अगर देखो एक बार आप पढ़ लेना इसको, कल देख लेंगे दोबारा से, ठीक है ना, कल मैं इसका चेक कर लूंगा अच्छे से। बाकी ए भी करेक्ट लग रहा है, लेकिन बी इसका आंसर दिया गया, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ भाई मैं एक बार जल्दी से। यस ये दो क्वेश्चन आईआईटी जैम में पूछे थे, ये आपका जैम 2020 का क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था सॉलिड स्टेट से जैम 2020 में, वो यही था। फ्लोरीन C60 क्रिस्टलाइज इन एफसीसी यूनिट सेल जिसकी एज लेंथ इतनी गिवन है। इफ वन C60 सेंटर्ड ईच लैटिस पॉइंट द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू मॉलिक्यूल, यानी कि आपसे नियरेस्ट नाइबर पूछ रहा है, तो वो सिंपली आपका ए बाय रूट टू ए होता है ना, वो आपका ए बाय रूट टू होता है। तो ये 14 पॉइंट ये, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.44 होती है, ठीक है। ये दो जीरो यहाँ पे आएगी, ये तीन जीरो आपका ऊपर जाएगी, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका आंसर आप चेक कर लीजिएगा, है ना, इसका आंसर आप चेक कर लीजिएगा कि 10 के आसपास आएगा, कितना आएगा, 10 के आसपास आ जाएगा, 10 आएगा या कितना आएगा, 100 आएगा, 10 ही लग रहा है ना भाई स्टूडेंट, चेक कर लेना 10 आएगा इसका आंसर जैम 2020 का, जैम 2020, ठीक है। इसका आंसर भाई ऑफिशियल में मैं चेक भी कर लेता हूँ साथ के साथ, बाकी करेक्ट है मुझे जहां तक लगता है, आंसर नहीं पता कौन सा है, 2020 इंटीजर टाइप में था ये, 43, ठीक है भाई बिल्कुल ऐसा ही है। 9.9 से लेके इसका जो आंसर दिया गया वो 9.9 से लेके 10.1 के बीच में दिया गया था, तो बिल्कुल करेक्ट है, जैम 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन तो वो क्या है, ये जैम 2019 का है भाई, ये जैम 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये दो जैम में पूछे गए थे। द रेशियो ऑफ नियरेस्ट नाइबर एटॉमिक डिस्टेंस, 100 नहीं आएगा 10 ही आएगा, करेक्ट है। द रेशियो ऑफ नियरेस्ट नाइबर एटॉमिक डिस्टेंस इन बीसीसी एंड आपका एफसीसी, तो बीसीसी का होता है जी आपका रूट थ्री ए बाई टू नियरेस्ट, इनका रेशियो निकालना है। और अगर आप बात करोगे एफसीसी का तो वो होता है आपका रूट, सॉरी वो आपका होता है यहाँ पे ए बाई रूट टू, कितना, ए बाई रूट टू। तो आप क्या करेंगे देखिए, यहाँ से इसको आप ऐसे लिख लीजिए, थ्री ये वाला यहाँ पे आपका टू, यहाँ पे रूट टू चला जाएगा ऊपर एंड यहाँ पे आ जाएगा ए, ए से ए कैंसिल, इससे ये करोगे तो ये आ जाएगा रूट टू, और इसको पूरे का हम क्या लिख सकते हैं, पूरे का आपका अंडर रूट थ्री बाई टू, क्या आ जाएगा, अंडर रूट थ्री बाई टू। तो जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था वो आपका ए आना था, क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो आपका ए आना था, ठीक है भाई। तो ये थी आज की क्लास, नियरेस्ट नाइबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नाइबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, क्या सब कुछ कहानी मैंने आपको समझा दी है इन दो क्वेश्चन को भाई। ये देखो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन थे, इनको दोबारा से करेक्ट कर लेना ये क्वेश्चन, इसका आंसर बी आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी एग्जाम में आ गया तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में जो हमने मिस्टेक की थी वो क्या की थी कि यहाँ पे अरेंजमेंट आपने देखी नहीं, अरेंजमेंट देखने की क्या अरेंजमेंट दी है ना, इसको थोड़ा सा और अगर वो डार्क कर देता तो चीजें और अच्छे से समझ में आ जाती। तो इस क्लास में अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ और कंसेप्ट सॉलिड स्टेट से रिलेटेड। तो जब तक आप इसको पढ़ लीजिएगा, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, अभी के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।